जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जब भी पार्टी की कोई बैठक बुलाते हैं तब वहां उनकी भूमिका अब एक शिक्षक और बाकी नेताओं की छात्र वाली होती है। उनके भाषण में भी नसीहत ज्यादा होती है। रविवार को पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें नीतीश ने आने वाले दिनों के लिए एक नहीं कई नसीहत दे डाली। सबसे पहले एक शराब माफिया के पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष बन जाने के मामले की तरफ ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि सदस्य बनाने के पहले पृष्ठभूमि की जाँच की जानी चाहिए। नीतीश ने कहा कि भविष्य में ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए कि दागियों को पार्टी में कोई पद न मिल पाए या वो निर्वाचित ना हो पाए। कुछ हफ्ते पहले एक दहेज विरोधी परिवार के साथ भोजपुर जिले का एक प्रखंड अध्यक्ष भी नीतीश कुमार से मिलने आया जो एक जहरीली शराब कांड का आरोपी है। इसके अलावा नीतीश ने पार्टी के वैसे नेता जो साधन संपन्न लोगों की सदस्यता को लेकर आतुर रहते हैं वैसे लोगों से भी सावधान रहने की नसीहत दी है। शायद नीतीश को इस बात का अंदाजा है कि जो लोग साधन संपन्न होते हैं उनके मामले में कोई उनकी कमाई का स्रोत जानने की कोशिश नहीं करता। नीतीश ने राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों और 40 लोकसभा सीटों को लेकर चुनाव की तैयारी करने के पीछे का तर्क भी समझाया।